जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ आईटीबीपी न्यू वैकेंसी 2024, जो है दोस्तों का ये जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पद रखा गया है। दोस्तों मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा इसमें कि दोस्तों आपको कितना इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, और दोस्तों मैं इसमें बताने वाला हूँ आपका क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, और मैं ये भी बताने वाला हूँ आपका इसमें हाइट कितना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल पोस्ट जो है आपका रखा गया है 545। और दोस्तों ये आपका है जो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भर्ती आया हुआ है। दोस्तों इसका जो फॉर्म है आज ही से डलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, 8 तारीख 10वां महीना 2024 से आपका फॉर्म का डेट जो है डलना स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ये दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें आपका, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये जो है आईटीबी कांस्टेबल ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2024। दोस्तों वहीं पे बात कर लेते हैं आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन डेट के बारे में बात कर लेते हैं आपका, यहाँ पे 8/10/2024 से आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं आपका इस फॉर्म का आपका लास्ट डेट है। दोस्तों इस फॉर्म का आपका लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 6/11/2024, यानी 6/11/2024 को इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। दोस्तों आप अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसी डेट के अंदर आप इस फॉर्म को भर दें। वहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं फी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे फी रखा गया है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपका जो है टोटल यहाँ पे फीस 100 रुपये लिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। दोस्तों अगर आप एससी और एसटी हैं तो दोस्तों आपको यहाँ एक भी फी नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 0 रुपया रखा गया है। दोस्तों आप ये पेमेंट ऑनलाइन या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर नोटिफिकेशन 2024 एज लिमिट। दोस्तों मिनिमम आपका एज जो है 21 ईयर होना चाहिए और दोस्तों आपका मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर होना चाहिए, यानी आप 21 ईयर से लेकर 27 ईयर के बीच में हैं तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आपके टोटल वैकेंसी जो लिखा हुआ है 545 पोस्ट यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पोस्ट है, यहाँ पे टोटल पोस्ट लिखा गया है। आइए दोस्तों देख लें पोस्ट के बारे में आपका जो है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ये वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों इसमें 545 टोटल पोस्ट रखा गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका सबसे पहले 10th पास होना जरूरी है। आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपका एक लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है तो ही दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके साथ साथ में 10th के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ही दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वहीं पे पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पद है, इसमें टोटल पोस्ट 545 है। वहीं पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके लिए 209 सीट रखा गया है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 164 सीट रखा गया है। अगर आप पीडब्ल्यू सी तो आपका 55 सीट रखा गया है। अगर आप एससी है तो आपका 77 सीट रखा गया है। अगर आप एसटी है तो आपका 40 सीट रखा गया है। ओवरऑल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, टोटल पोस्ट इसमें आपका 545 रहने वाला है। दोस्तों अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप 10th पास है किसी भी बोर्ड से तो दोस्तों इस फॉर्म को आप जरूर भरें, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा वैकेंसी आपका है जो आता है ड्राइवर के थ्रू। तो दोस्तों आइए फिर से बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन डेट के बारे में। तो 8/10/2024 से स्टार्ट हो रहा है, आपका लास्ट डेट है 6/11/2024। दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ताकि कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।